नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वन रक्षक सुनील कुशवाहा। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की जो न्यू 5,000 वैकेंसी है उसके बारे में काफ़ी दोस्तों चर्चा चल रही है, और मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट आ चुके हैं और मैसेज आ चुके हैं कि सर, जो ये जो भर्ती हो रही है अभी मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की, इसके अलावा जो आने वाली जो 5,000 भर्ती है जिसके बारे में न्यूज़ में भी आई थी और कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने भी बताया था, तो उसकी क्या सच्चाई है और कैसे ये आ सकती हैं? क्योंकि अभी जब वैकेंसी आ रही हैं, जब वैकेंसी आ जाएंगी तो पूरी पोस्ट तो भर जाएंगी, फिर न्यू वैकेंसी कैसे आएंगी? तो मैं खुद एक वनरक्षक हूँ और मुझे पता है कि मेरे विभाग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और कितनी वैकेंसी खाली हैं। फिलहाल जो भर्ती हो रही है उससे फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी खाली वैकेंसी है वो भर जाएंगी, लेकिन एक जो पेच पिछले 7 साल से अटका हुआ है वो ये है कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में पिछले 7 साल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं हुए हैं, और इसके चलते वन विभाग के कुछ कुछ सूत्री मांगे हैं जिसको जिसके रिगार्डिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों ने मिल के ज्ञापन भी दिए हैं और आगे जाके हड़ताल पे जाने की भी बात चल रही है। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि स्ट्राइक पे जाने से पहले ऐसा कुछ डिसीजन आ जाएगा हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जिससे जो वन विभाग मेरे को ये प्रमोशन है वो खोल दिए जाएंगे, और जब ये प्रमोशन खोले जाएंगे तो 7 साल से जो जिनका 7 साल पहले प्रमोशन होना था उनका प्रमोशन भी अभी होगा, और जो अभी प्रमोशन की कैटेगरी में आ रहे हैं उनका प्रमोशन भी अभी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वन रक्षक की जो पोस्ट है एकदम से खाली होंगी, काफ़ी पोस्ट एकदम से खाली होंगी, और इसके चलते जो न्यू वैकेंसी है वो आने आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब दोस्तों जो खबर है वो झूठी नहीं है, लेकिन ये कब तक हो सकता है? तो देखिए, मई में तो हमारा लास्ट जो डिसीजन वो मई का होगा, उससे पहले यदि अप्रैल में कोई डिसीजन आता है गवर्नमेंट का कि ऐसे प्रमोशन दिया जाता है तो अप्रैल में वैकेंसी खाली हो जाएंगी, और मई जून जून जुलाई के समथिंग आपका नया जो वैकेंसी का आने आने का है वो जून जुलाई के समथिंग आने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी तो मई में पेपर है फॉरेस्ट गार्ड का, आप उसकी तैयारी करिए, और इसके अलावा मई में पेपर हो जाएगा, मई के बाद जून जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने आप लेके चलिए जिसमें नई पोस्ट कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके लिए, और वो आप समझ रहे हो आपके लिए खुशखबरी मिल सकती है। वैसे अभी मई में एग्ज़ाम है, खुद मैं एक टीचर हूँ, खुद एक वनरक्षक हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप डे बाय डे अपना रूटीन बना के रखें कि आपको कितना क्या पढ़ना है, कितना आपको 5 सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और साइंस, ये 5 सब्जेक्ट आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सॉल्व करने हैं और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, जितना हो सके टेस्ट सीरीज लगाइए, और जैसे पटवारी में हो रहा है कि मैथ और रीजनिंग मिला के 77 नंबर का आ रहा है, फॉरेस्ट गार्ड में ऐसा नहीं होगा। इसमें स्पष्ट दिया है कि आपका हिंदी 20 नंबर का आएगा, इंग्लिश 20 नंबर का, मैथ हिंदी इंग्लिश मैथ जीके साइंस सभी 20 नंबर के आएंगे, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसलिए आपको इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इसमें सेक्शन वाइज भी मिलेंगे, हिंदी का सेक्शन अलग मिलेगा, इंग्लिश का अलग मिलेगा, जीके का अलग, साइंस का अलग, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। पटवारी जैसी, पटवारी में पता नहीं क्या हो रहा है, 80-80 नंबर का मैथ रीजनिंग आ रहा है, स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब तो करते बनता है भाई, आप मेरे प्रिय स्टूडेंट हो ना, हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बने रहिए मेरे चैनल के साथ और वन रक्षक सुनील कुशवाहा के साथ। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।